जशपुर पुलिस ने जान पर खेलकर भारी बारिश के दौरान बीती रात 11 नव गौवंश को तस्करी होने से बचाकर गौ तस्करी करते मोहम्मद शमीम खान एवं मोहम्मद बिलाल शाह को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार की रात पुलिस अधीक्षक जशपुर शशिमोहन सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि जशपुर झारखंड सीमा के ग्राम साइटांग टरोली लुदाम से झारखंड की ओर पिकअप वाहन में कुछ लोग क्रूरता पूर्वक मवेशी को तस्करी करते हुए जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल थाना प्रभारी लोदाम निरीक्षक राकेश यादव के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई हेतु दल बल के साथ रवाना किया गया। पुलिस द्वारा मुखबिर के बताए अनुसार जगह पर घात लगाकर पिकअप वाहन एवं तस्करों पर दबिश दी गई। दबिश देने पर एक आरोपी मोहम्मद बिलाल खान पानी कीचड़ से भरे खेत की ओर भागने लगा, जिसे लगभग 2 किलोमीटर तक पीछा कर अभिरक्षा में लिया गया एवं आरोपी मोहम्मद शमीम खान पुलिस से पीछा करने पर रेस्ट एरिया से आगे जाकर नदी में छलांग लगा दिया, जिसे भी पुलिस ने अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मिलकर जान जोखिम में डालकर और नदी में कूदकर उसे निकाला और गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ पुलिस की पशु तस्करी के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसके तहत कल साई टांगर टोली में पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग पिकअप गाड़ी में पशुओं की तस्करी कर रहे हैं। इस पे लोदाम थाना प्रभारी की टीम के साथ वहां भेजा गया। पुलिस की टीम जहां पर घात लगा के बैठी थी उनको देखते ही वो लोग भागे। पुलिस ने लगभग 2 किलोमीटर तक इन आरोपियों का पीछा किया। पीछा करने के बाद एक आरोपी नदी में कूद गया, उसको भी पुलिस की टीम के द्वारा अंदर से निकाला गया पानी के भीतर से, और दूसरे आरोपी को लगभग 2 किलोमीटर तक दौड़ा के हमारे पुलिस की टीम ने उन्हें पकड़ा। और इस तरीके से 11 पशुओं को तस्करी से बचाया गया। साथ ही इसमें जो प्रयुक्त की जा रही थी उस गाड़ी को भी जब्त किया गया है। रासात की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो बड़े नाम है लाल खान और बबलू, ये नाम लगातार आ रहे हैं, इनको भी आरोपी बनाया जा रहा है। साथ ही जो गाड़ियां अभी तक हम लोगों ने पशु तस्करी में जब्त किए उन सारी गाड़ियों के रासात की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। आने वाले दिनों में पूरी कोशिश की जाएगी कि छत्तीसगढ़ पुलिस का जशपुर पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा।